आगामी चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को साधने के लिए एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। इस बात की जानकारी एमपी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने दी। एमपी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा, उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। आगामी समय में एमपी सरकार भी इस तरीके की प्रतिक्रिया करेगी। फिलहाल उत्तराखंड में समान नागरिकता का बिल लाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को साधने के लिए एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। प्रधानमंत्री आदिवासियों से मुकद्दर होने आ रहे हैं, जिससे योजनाओं का प्रचार प्रसार होता है। आदिवासी वर्ग को साधने के लिए इस सम्मेलन की क्या जरूरत है? उसमें पहले तो बहुत सारे लोक कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासियों के कल्याण के लिए, प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, प्रधानमंत्री मुफ्त अन्न योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, तमाम तरह के योजनाएं पहले से चला रखी है। वो आदिवासियों के बड़े सम्मेलन में आदिवासियों से मुखातिब होने आ रहे हैं, अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार होता है उससे, और उनमें एक जागरूकता की भावना आती है। इस प्रकार से एक बड़ा सम्मेलन होता है। अभी तो इस बात को लेकर आप लोग संतोष करिए कि उत्तराखंड सरकार में समान नागरिक संहिता का जो बिल है वो लाया जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।